फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود नुक्तते दायरतिल वजूद साहिब लवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। सुम्मा सलातु अला वलीही व वसीही व अखीही व अमीनही व खलीफतही बिला फस अशरफिल इत्रतही व नातिकिल हुज्जतही व बाबिल हिकमतही फातह खैबर जोज बतूल अमीर المؤمنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب كل غالب علی ابن ابی طالب طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من یؤمن هذا الى یوم الدین وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون। अज़ादारान मज़लूम करबला, इस वक्त किस मजलिस में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस आप एक तसव्वुर कर लें कि फातिमा के चमन उजड़ गए, नबी का घर ताराज हो गया। हाँ अज़ादारों, आपके लिए तो सबूर काफी है गिरिए के लिए कि हुसैन कभी जवान बेटे का लाशा ला रहे हैं, कभी कासिम के टुकड़े टुकड़े लाश हुसैन अबा के दामन में समेट के ला रहे हैं, कभी भांजों का लाशा हुसैन लेकर आ रहे हैं, हाय जैनब का कलेजा, कभी अकबर के लाशे को संभाला, कभी ओन मोहम्मद के लाशे को, कभी कासिम के लाशे को। हाँ जादारू, शायद दुनिया ये समझी, शायद दुनिया ये समझी कि अब हुसैन का खजाना खत्म हो गया, अब हुसैन के पास कुछ बाकी नहीं है, मगर हुसैन ने मां की आगोश में गौहर को तलाशी कर लिया। कौन? अली असगर। मैं अज़ादारो अली असगर के मसाइल पढ़ूंगा, लेकिन पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि शहादत अली असगर कैसी मजलूमियत है। अज़ादारो, एक वाकया समाज फरमा लें कि ईरान के शहर शहर अब्बासी में दस्तूर यह था कि हर साल शबियां बनाई जाती थी, कभी गाजी अब्बास की शबी बनाई जाती है, कभी अली अकबर की शबी बनाई जाती है। एक साल यह मंजर पेश किया जाने लगा कि हुसैन असगर को लेकर मैदान में आएंगे, असगर के लिए पानी तलब करेंगे। अजीजों, हुसैन बनने के लिए भी सब तैयार हो गए, एक बच्चे को भी ले लिया गया, लेकिन जिससे कहा गया कि हुरमला कौन बनेगा, तो अब कोई हुरमला बनने के लिए तैयार नहीं था, तो आखिर मजबूरन एक गैर मुस्लिम से यह कहा गया, भाई एक मंजर कशी की जानी है, तुम्हारा वक्त इतना काम होगा कि एक शख्स आएगा अपने आगोश में एक बच्चे को लिए होगा, तुम्हें वक्त इतना करना होगा कि वो अपने बच्चे के लिए पानी मांगेगा, और तुम्हें वक्त इतना करना होगा कि तुम कमान में तीर जोड़ के उसकी तरफ फेंक दे। तो वो गैर मुस्लिम कहता है, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगे और मैं उसके जवाब में तीर उसके तरफ फेंक दूं, यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। उससे कहा गया, भाई
देखो ये हमारा एक प्रोग्राम है, तुम्हें फकत इतना काम करना है, जब बहुत उससे कहा गया तो वो तैयार हो गया। लीजिए, हुसैन आगोश में एक बच्चे को लेके पहुंचे और कहे कौम जफाकार, तुम्हारी नजरों में मैं खतवार हूं, तुम्हारे जौम नाकिश में मैं खतवार हूं। ये बच्चा तो खतवार नहीं है, इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, ये 3 दिन का प्यासा है, इसे पानी पिला दो। वो जिसको हुरमला का पार्ट प्ले करना था, एक मरतबा पिसरे साद ने कहा हुसैन के कलाम को कदा कर दो। वो अपने मकाम पे खड़ा हुआ है, न दोस्त से कमान उतारता है न तीर कमान में जोड़ता है। उससे कहा गया भाई क्या करते हो, कमान में तीर जोड़ के फेंको। कि एक मरतबा जब दूसरी मरतबा हुसैन ने कहा कि ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है, इसे पानी पिला दो, उसने कमान को फेंका, कहा या हुसैन ठहरो, मैं आपके बच्चे के लिए अभी पानी लेके आया। मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, खुदा की कसम बस आज कुछ पढ़ने के लिए नहीं। हुसैन मैदान कारजार में असगर को लेके आए और रजादारा ने इमाम मजलूम 3 भाल का तीर अरब में जिससे बड़े बड़े जानवर जबा किए जाते हैं, अली असगर के गले की तरफ फेंका गया। बच्चा हुसैन के हाथों पे मुंतलिब हो गया। हुसैन असगर को लेके चले। अजादारा ने इमाम मजलूम आज आपने एक अमल किया होगा, 7 मरतबा आगे बढ़े होंगे, 7 मरतबा पीछे हटे होंगे और आपने कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारो ये मेरे इसी इमाम का अमल है। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कैसे रबाब को जाके असगर को दे दें। हाँ अदादारो हिम्मत करके कहा रबाब तेरा असगर आ गया, रबाब से पहले सकीना तेरे खेमे पे आ गई। बाबा असगर को पानी पिला लाए, क्या सकीना प्यासी रहेगी। मौला आपको सलामत रखे। हाजादारो खुदा की कसम मसाइब ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, एक नफ्सियाती तज्जिया है, अगर आपने गौर कर लिया तो वो मातम करके उठेंगे कि शहजादी का दिल खुश हो जाएगा। मैंने आपसे अर्ज किया ज्यादा मसाइब नहीं है, लेकिन आप साहिबान औलाद हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं और मैं सच अर्ज करता हूं बड़ा मातम करके आप उठेंगे। मेरा आपसे फकत एक सवाल है, आपने जनाजों में भी शिरकत की है, बहुत से बच्चे दुनिया से गुजर जाते हैं, आप जाते हो कब्रिस्तान में, बच्चों को सुपुर्द खाक किया जाता है, कोई ऐसी बस्ती कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिन्होंने कमसिन बच्चे के जनाजे में शिरकत ना की हो, उसे सुपुर्द खाक ना किया हो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, आप बस रोते रहिएगा अजीजान गिरामी, एक नफ्सियाती तज़िया, क्या तुमने कभी किसी बच्चे का ऐसा जनाजा देखा है कि बाप कब्र खोद रहा है, मां आगोश में बच्चे को लिए है। बस हो गए मसाइब अदादारों, तसव्वुर कर लिया। मौला आपको सलामत रखे अदादारा ने इमाम मजलूम, क्या कोई ऐसा जनाजा देखा है कि बाप कब्र खोदे मां बच्चे को लहर में उतारे। हाय अली असगर, हाय अली असगर, अरे बाप ने कब्र खोदी मां ने बच्चे को कब्र में लिटाया। अच्छा देखिए, बस सिर्फ नफ्सियाती तज़िये हैं जो आपकी खिदमत में कर रहा हूं। अच्छा आप जानते हैं जब किसी बच्चे को कब्र में उतारा जाता है तो कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया जाता है, कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया जाता है कि मट्टी उसके जिस्म पर ना पड़े। तवज्जो है ना अज़ीज़ाने गिरामी, पत्थर रख दिया जाता है या लकड़ी का तख्ता रख दिया जाता है कि मट्टी जिस्म तक ना पहुंचे। हाय हुसैन की मज़लूमियत, हाय हुसैन की मज़लूमियत, बच्चे को कब्र में रखा, करबला की जल्दी हुई रे, अली असगर के जिस्म पे डाली। मौला सलामत रखे अदादारा ने इमाम मज़लूम। और उसके बाद अदादारा ने इमाम मज़लूम कब्र पर पानी डाला जाता है। हुसैन क्या करे, अपने आंसुओं से कब्र अली असगर को तर किया, पानी न था जो शाह
छिड़कते मजार पर, आंसू टपक पड़े लहदे शीरखार पर। हुसैन अभी असगर को सुपुर्द खाक करके उठना चाहते हैं कि पीछे से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका अपना रसूलुल्लाह। हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, अरे यहां तो कोई हमें लायक सलाम भी नहीं समझता, ये कौन है जिसने हमें सलाम किया। हुसैन ने रुख पलटाया, भाई तू कौन है? कहा मैं कासिद सुगरा हूं, मैं सुगरा का पैगाम लेके आया हूं। अरे आप साहिबान औलाद हैं, सुगरा कब से इंतजार कर रही थी, अरे मेरे बाबा अली अकबर को आप भेजेंगे बुलाने के लिए। वो सुहरा का कासिद आया, कहा मैं कासिद का कासिद सुहरा हूं, सुहरा का पैगाम लेकर आया हूं। एक मर्तबा हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए, और एक मर्तबा हुसैन ने सुहरा की तहरीर को लिया और एक मर्तबा पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। बाबा बाबा आपने तो वादा किया था कि जब भी फुर्सत मिलेगी अली अकबर को भेज के हमको बुलाएंगे। बाबा बाबा सुहरा कब से इंतजार कर रही है बाबा। और उसके बाद खत के आखिर में लिखा था सुगरा ने, बाबा बाबा मेरे भैया अली अकबर को मेरा सलाम कहना, बाबा मेरे चचा अब्बास को मेरा सलाम कहना, मेरे आना मोहम्मद को मेरा सलाम कहना। हुसैन ने फराद का रुख किया, आवाज दी, भैया अब्बास सुगरा का सलाम कबूल कर। बेटा अली अकबर, बहन ने तुझे सलाम कहा है, बहन ने तुझे सलाम कहा है। अब तारीख के जुमले ये हैं, अल्लामा मोहम्मद रजी साहब ने लिखा है कि कासिद सुहरा खैमों की तरफ देखने लगा, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। हुसैन ने पूछा ये क्या देख रहा है? कहा मुझसे चलते वक्त सुहरा ने कहा था अब तो मेरा भैया अली असगर 6 महीने का हो गया होगा, अगर खेल तो हुआ खैमे से बाहर आ जाए तो उसे गोद में लेकर हमारी तरफ से प्यार करना। हुसैन ने सब्र अली असगर को देखा, बेटा अली असगर सुगरा ने तुझे प्यार कहा है। हाँ दादारो आपकी आवाजें बुलंद हुए, आपने मातम किया दादारा ने इमाम मजलूम, बस चंद मिनट और सुन लीजिए और मजलिस तमाम। दादारो आप जानते हैं अली असगर वो वाहिद शहीद है अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जिसे 2 मर्तबा ज़िबह किया गया। एक मर्तबा हुरमला मलून के तीर से ज़िबह हुआ और दूसरी मर्तबा कब ज़िबह हुआ? सुन सकेंगे ये मसाइब आप अज़ादारा ने इमाम मज़लूम? मौला आपको इतनी कुव्वत दे कि आप ये मसाइब सुन ले अज़ादारो के पिसरे साथ। मलून ये कहता है, मलून ये कहता है कि सर तो 72 थे, ये 71 सर क्यों है? तवज्जो फरमाइएगा, 72वां सर कहाँ है? तो किसी ने पिछले साल मलून से कहा, हुसैन का एक 6 महीने का बच्चा था, हुसैन का एक 6 महीने का बच्चा था जिसे हुसैन ने दफन कर दिया था, सुपुर्द खाक कर दिया था। पिछले साल मलून कहता है कुछ भी हो मुझे अली असगर का सर चाहिए, मुझे असगर का सर चाहिए। एक मलून आगे बढ़ा, पिछले साल से कहता है ए पिछले साल मुझे 40 नेजा बरदार दे दे, मैं वादा करता हूँ असगर के सर को लेकर आऊंगा। वो मलून नेजा लेके बढ़ा, 40 नेजे बरदार, साथ साथ जहां पे नर्म जमीन देखता है नेजा गाड़ता है, जहां नर्म जमीन देखता है नेजा गाड़ता है। एक मर्तबा मलून ने तो नेजा गाड़ा असगर का लाशा। बोला सलामत रखे मातम करो अज़ादारा ने इमाम मज़लूम। असगर का लाशा नेजे में उलझ के सामने आया, नेजे में उलझ के सामने आया। सुनो मलून ने क्या किया, मलून ने क्या किया, मलून लाशे को लेके मलून पिसरे साहब के पास नहीं गया, लाशे को लेके नहीं गया, बल्कि नेजे से लाशे को निकाला, खैमे के करीब पहुंचा, जहां दरे खैमे पे रबाब खड़ी देख रही है। मलून ने अली असगर के जिस्म पर अपना तानू रखा, खंजर निकाला, माँ के सामने असगर का गला जुदा कर दिया,
रबाब ने मुंह पीटा। हाय मेरा लाल, हाय मेरा सीधे सुगरा बोल काए दीरो कर आए का सीधे सुगरा हाल दोहे दीरो कर हाय का सीधे सुगरा हाल दिल कहूं क्यों कर हाय का सीधे सुगरा बोल शाए बोल शाह दे रो कर हाय बोल शाह दे रो कर हाय करबला के जंगल में अब तो मैं अकेला हूँ अब नहीं कोई आवर हाय का सिदे सुगरा बोले चाहे हीरो कर हाय का सिदे सुगरा बोले शाहे हीरो कर हाय का सिदे सुगरा अहल शर का नरवा है बेकसी है और मैं हूँ शर का नर जिंदगी हुई दूभर हाय का सीधे सुगरा बोले शाह देख ले तू नामा पर लाश है जो दरिया पर देख ले जो नामा पर वो है बाजुए सरवर हाय का सिरे सुगरा क्या जवाब खत लिखूं मैं मरीज दुख तर को क्या जवाब खत लिखूं मैं मरीज दुख तर को दो तसल्लियां क्यों कर हाय का सिरे सुगरा रंज में टुकड़े टुकड़े जो लाश देखता है तो रंज में टुकड़े टुकड़े जो लाश देखता है तो वो है काशी में पर हाय काशी रे सुगरा Oh,
गोदियों में पलता था, घुटनियों ने चलता था। गोदियों में अरे मेरा बेजुबान असगर, हाय काशी दे सुरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुरा। वादा था जो सुगरा से, मिलने जाते ऐका से, वादा था जो होते घर अली अकबर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा। ये पयाम सुगरा से हो सके तो दे देना, ये पयाम से मर गए सरवर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा, शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा। हाथों पर मेरे तूने जिसको खून भरा देखा, भरा देखा, वो था शशमय असगर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा। थोड़ी देर में आकर अब फिर आएगा जालिम, थोड़ी देर में आकर अब फिर आएगा जालिम, हल्क पर मेरे खंजर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे सुगरा, बोले शाहे तीरो कर, हाय काशी दे जैनब का था ये नौहा, बाई है भूखा प्यासा, ऐसी मृत्यु ठहर जा, बाई है भूखा प्यासा। जैनब का था ये नौहा, बाई है भूखा प्यासा, ऐसी मृत्यु ठहर जा, भाई है भूखा प्यासा। जैनब का था ये नौहा, भाई है भूखा प्यासा, ऐसी मृत्यु ठहर जा, भाई है भूखा प्यासा। सूखे गले पे खंजर मत फेर ऐ सितमगर, सूखे गले पे खंजर मत फेर ऐ सितमगर, पानी पिला दे थोड़ा, भाई है भूखा प्यासा, ऐसी मृत्यु ठहर जा, भाई है भूखा प्यासा। सीने से तू उतर जा जख्मों
दर्द होगा। सीने से तू उतर जा, जख्मों में दर्द होगा। मजलूम पर तरस खा, भाई है भूखा प्यासा। ऐसे मृतो ठहर चादर को छीन ले तू, खैमों को लूट ले तू। चादर को छीन ले तू, खैमों को लूट ले तू। खुद की नहीं है परवा, भाई है भूखा प्यासा। ऐसे मृत्यु भाई है भूखा प्यासा। खोया है नौजवा को, गाढ़ा है बेजुबा को। खोया है नौजवा गाड़ा है बेजुबा को। कोई नहीं है उसका, आई है भूखा प्यासा। ऐसे मृत्यु ठहर जा, आई है भूखा प्यासा। अरे जो समा के वाली देना अरे जो समा के वाली देना है तू गवाही। पहलूम बेहक दरिया, भाई है भूखा प्यासा। ऐसे मृत्यु ठहर जा, भाई है भूखा प्यासा। या फाते या फातिमा बाओ, या मुर्तजा बाओ। दम तोड़ता है बेटा, भाई है भूखा प्यासा। ऐसे मृत्यु ठहर जा, भाई है भूखा प्यासा। सेना प्रथायन Jau se
السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومنین، السلام علیکم یا وارث الحسن الشہید السبط رسول اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن بشیر النظیر وابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن ساره، السلام علیک ایہا الوتر المؤتور، السلام علیک ایہا الامام الحادی الزکی، وعلى ارواح التي حلت ببنائك وقامت في زوارك ووفقت قد اتم زواري، السلام عليك مني ما بقيت بقي الليل والنهار، فلقد عظمت بقرزيته وجعلهم الصعاب في المؤمنين والمسلمين وفي عليه السلوات والاجمعين وفي سكان الارضين وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آبَائِكَ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ الْمُنْتَجِبِينَ وَعَلَى ذَرَارِيَّ الْهُدَاةِ الْمَهْدِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى رُوحِكَ وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَعَلَى تُرْبَتِكَ وَعَلَى تُرْبَتِهِمْ، اللَّهُمَّ لَكَّهِمْ رَحْمَةً وَرِضْوَانًا وَرَغْوًا وَرَيْحَانًا، السلام علیکم یا مولایا ابا عبد اللہ ابن خاتم النبیین وابن سید الوصین وابن سید النساء العالمین، السلام علیکم یا شہید وابن الشہید یا اخ الشہید یا اب الشہداء، واللہم بلغ عنی بهذه الساعة وبهذا اليوم وبهذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلام سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين وعلى المستشهدين معك سلام متصل الليل والنهار، والسلام على الحسين بن علي الشهيد، السلام على علي بن الحسين الشهيد، السلام على العباس بن امير المؤمنين شهيد، السلام على الشهداء من ولد امير المؤمنين، السلام على الشهداء من ولد الحسن، السلام على الشهداء من ولد الحسين، السلام على الشهداء من ولد جعفر وكيل، السلام على كل مستشهدين معهم من المؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم إني تحية كثيرة وسلاما، السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك الأعظم في ولدك ولدك الحسين، السلام عليك يا فاطمة، أحسن الله لك عزائف في ولدك الحسين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك الأعظم في ولدك الحسين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن الله لك الأعظم في أخي الحسين أخيك الحسين، يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار كرم وكرام في هذا الوقت
تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك ركبتي من النار إنه سميع الدعاء قريب مجيب ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاه ابن مولاه السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان يا أبو الحسن علي ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الأسر والزمان علمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام سوى الجان سيدي أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وجهورك وجعلنا من أنصارك وأواني ورحمة الله وبركاته